Hi everyone, a very good morning to all of you. My name is Karnima and I welcome you all to another session of RBI 247 wherein we discuss finance current affairs that are relevant for RBI Grade B and SEBI Grade A exam. Let's get on with today's video. Today the three topics that we're going to talk about is the first one, India-Singapore Real-Time Payment Link. Aap sab logo ne already sun liya hoga is bare mein. UPI in India and PayNow in Singapore have collaborated for a real-time payment system, cross-border real-time payment system. The second one is extending UPI foreign-bound travelers to India. ये बहुत पुरानी news है, already बहुत बार हम cover कर चुके हैं, but there has been an addition in this. इसलिए हम आज ये डिस्कस करेंगे. द थर्ड वन, यील्ड ऑन टी बिल्स. इसमें हम समझेंगे कि यील्ड में क्या डिफरेंस आया है इस बार टी बिल्स के. व्हाट आर टी बिल्स, व्हाई आर दे इशूड, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, एंड यील्ड में डिफरेंस आने की वजह से क्या इंपैक्ट आता है ऑन टी बिल्स एंड ऑन द इकोनॉमी. ओके, सो द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया सिंगापुर रियल टाइम पेमेंट लिंक. सो वेरी रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज काउंटर पार्ट ऑफ सिंगापुर in a conference launched this real-time payment link wherein cross-border payment, cross-border remittances and person-to-person payments will be allowed from India to Singapore using UPI. तो अब UPI के through जैसे इंडिया में हम एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग UPI. नाउ दिस इज पॉसिबल फ्रॉम सिंगापुर एज वेल. ठीक है, सो इंडियन अकाउंट्स में सिंगापुर से आप मनी रिसीव कर सकते हैं एंड सिमिलरली इफ यू आर इन इंडिया एंड यू वॉन्ट टू सेंड मनी टू एनी वन लिविंग इन सिंगापुर यू कैन डू दैट यूजिंग UPI. सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बहुत ईजी हो गई हैं आफ्टर दिस. सो इनिशियली एक पायलट लॉन्च में RBI गवर्नर ने ये इशू करा था. ओके, सो वेरी रिसेंटली दिस फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड थ्रू अ टोकन ट्रांजेक्शन. एक टोकन ट्रांजेक्शन बिटवीन द RBI गवर्नर एंड हिज काउंटर पार्ट ऑफ सिंगापुर ने UPI PayNow लिंकेज कनेक्ट करा था. ठीक है, सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वॉज टेकन प्लेस बाय द RBI गवर्नर वेरी रिसेंटली इन एन इवेंट. ओके, सो UPI PayNow लिंकेज विल इंश्योर यूजर्स ऑफ द टू कंट्रीज फॉर फास्ट पेमेंट सिस्टम इन ईदर. The UPI Now Pay linkage will enable users of the two fast payment systems in either country to make convenient, safe, instant, cost-effective cross-border fund. So, what is the importance? The importance of this is so that faster, convenient, effective, transparent transactions can take place. Payment can take place in a very transparent manner. So, इस बार का G20 जो agenda है, that is also to promote fintech, to promote digitalization, financial inclusion, and पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट हो सके. दैट हैज बीन द एजेंडा ऑफ G20 दिस टाइम एंड टू प्रमोट दैट दिस विल वर्क टू प्रमोट दैट एज वेल, विल वर्क फॉर दैट एज वेल. एंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है. गोइंग फॉरवर्ड ये अदर कंट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा या एक्सपैंड करा जाएगा अदर कंट्रीज के लिए भी. सो अंडर दिस वन पर्सन सिटिंग इन सिंगापुर कैन मेक पेमेंट टू इंडिया थ्रू UPI. तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पॉसिबल है. एक लिमिट लगाई है गई है, द पर डे ट्रांजेक्शन इज 60,000 एंड दिस कैन बी डन वाया मोबाइल ऐप, UPI ऐप एंड ऑल्सो थ्रू QR कोड एंड मोबाइल नंबर. बाय यू नो सेंडिंग द मोबाइल नंबर ऑफ द अदर पर्सन यू कैन मेक ट्रांजेक्शन. QR कोड के थ्रू भी कर सकते हैं एंड VPA, दैट इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, उसके थ्रू भी अलाउड है. तो इसके बाद सिंगापुर जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई है दैट हैज अलाउड क्रॉस बॉर्डर payment to person payment facility. Okay, this we have studied. Benefit also we have studied, fintech and benefits of benefit to the people who are living in Singapore, who are migrants, who are somebody who is migrated to Singapore, students, in sab ke liye bahut zyada important hone wala hai ye. Remittance will be easy now and low cost. So pehle cost lagti thi to remit money from India to Singapore and Singapore to India and from any other country as well. So remittance mein jo cost hai wo cost bahut zyada reduce hogi and real time mein payment ho jayegi through UPI. So currently the participating bank for India who can receive the remittance are these. So abhi tak in banks pe allowed hai, anybody who has an account in this bank can receive payment from Singapore. And Singapore users ke liye it will be available through DBS Singapore and an NBFC of Singapore, that is Liquid Group. So Singapore ke liye DBS Singapore and Liquid Group, that is the NBFC working in Singapore and in India, receiving is allowed for these banks. The participants of these banks jinke paas isme account hai. Okay, the banks in India presently
दैट हैज एनेबल्ड फॉर सेंडिंग रेमिटेंसेस. कौन कौन सेंड कर सकता है? दीज आर दीज बैंक्स. तो ICICI, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, SBI, दीज आर दी अकाउंट्स जो सेंड कर सकते हैं रेमिटेंस. तो फॉर जो इंडिया में UPI है, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. सिंगापुर में दैट इज पे नाउ. सिंगापुर में इट इज पे नाउ. तो दिस इज कॉल्ड UPI पे नाउ लिंकेज. इसको बोला गया है, दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड UPI पे नाउ लिंकेज. ओके, द पर्पस ऑफ, अच्छा, किस पर्पस के लिए आप रेमिटेंस आप कर सकते हैं? करंटली टू पर्पसेस आर अलाउड, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स अब्रॉड एंड गिफ्ट. सो करंटली पर्सन टू पर्सन P2P ट्रांजेक्शन, P2P रेमिटेंस इज अलाउड फॉर टू पर्पसेस. द फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड एंड द सेकेंड वन इज फॉर गिफ्ट. ओके, अब पर डे की जो ट्रांजेक्शन लिमिट अभी तक है, दैट इज 60,000, विच इज इक्वल टू 1,000 सिंगापुर डॉलर्स. ठीक है, एंड दिस कैन बी ट्रांसफर्ड, दिस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू UPI ID, मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. वॉट इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस? तो जो पेमेंट एड्रेस आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल UPI पेमेंट एड्रेस जो आपका होता है, सो दैट आपकी पेमेंट हो सके. सो फॉर टू ट्रांसफर मनी टू somebody, यू नीड somebody's UPI पेमेंट एड्रेस. सो सिमिलरली वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है. QR कोड के थ्रू अभी आप ये पेमेंट कर सकते हैं. मोबाइल नंबर एंटर करके अपनी ऐप पे ऑल्सो यू कैन मेक पेमेंट्स जस्ट लाइक द UPI दैट इज वर्किंग इन इंडिया. ओके, सो द सेकेंड न्यूज टुडे इज एक्सटेंडिंग UPI फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स. तो ये बहुत पुरानी न्यूज है. आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, दिस वॉज अनाउंस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में ये अनाउंस हुआ था कि UPI विल बी एक्सटेंडेड टू ट्रैवलर्स फ्रॉम G20 कंट्रीज. तो अभी तक सिर्फ G20 कंट्रीज के लिए अलाउड है, एंड फर्दर इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल. तो अब इस न्यूज में क्या है? व्हाई आर वी स्टडिंग दिस न्यूज अगेन? बिकॉज द एयरपोर्ट्स हैव बीन सिलेक्टेड फाइनली. तो बैंगलोर, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, इन तीन एयरपोर्ट्स पे ये सर्विस अवेलेबल होगी. सो एनीबडी विद अ वॉलेट, जिसके पास एक वॉलेट है, तो अभी वी रेड दिस न्यूज इन PPI. ठीक है, तो PPI इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो जिनके पास भी वॉलेट है, PPI वॉलेट, वो UPI ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं. एनीबडी हु इज ट्रैवलिंग टू इंडिया फ्रॉम दीज G20 कंट्रीज. ओके, सो ये हम पढ़ चुके हैं. दिस वी ऑल्सो स्टडीड कि तीन अभी तक एयरपोर्ट्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल. नाउ व्हाट अबाउट द बैंक्स जिनके पास ये फैसिलिटी है? द टू बैंक्स दैट हैव बीन सिलेक्टेड इज ICICI एंड IDFC फर्स्ट बैंक. इसके अलावा द टू नॉन बैंक PPI इशूअर्स. क्यों? क्योंकि वॉलेट में पैसे आपके आएंगे, दैट इज इन द इंडियन करेंसी, एंड देन यू कैन मेक पेमेंट. अब ये पेमेंट भी P2M3, पर्सन टू मर्चेंट. सो यू कैन यूज दिस फॉर मर्चेंट ट्रांजेक्शंस. ओके, सो करंटली द टू नॉन बैंक PPI इशूअर्स दैट हैव बीन सिलेक्टेड आर पाइन लैब्स एंड ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल. तो अभी ये दे कैन इशू UPI लिंक्ड वॉलेट्स. ठीक है, ओके, सो दिस वॉज द न्यूज. इस न्यूज में सिर्फ दो तीन चीजें ही आई हैं, दैट इज कौन कौन से एयरपोर्ट्स पे अलाउड है, एंड सेकेंडली कौन कौन से बैंक्स को ये अलाउ करा गया. करंटली इट इज फॉर G20 ट्रैवलर्स फ्रॉम G20 कंट्रीज ओनली. दे कैन नाउ मेक P2M, दैट इज पेमेंट पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस. ओके, टॉकिंग अबाउट द थर्ड न्यूज दैट इज देयर इज यील्ड ऑन द T-bills. व्हाट आर T-bills? T-bills आर ट्रेजरी बिल्स, ये सबको पता ही होगा. फर्स्टली लेट्स डिस्कस अ लिटिल मोर अबाउट T-bills. तो अभी जो करंटली द न्यूज इज कि यील्ड्स ऑन ट्रेजरी बिल हैव स्काईरॉकेटेड इन पास्ट कपल ऑफ वीक्स. अब ये क्यों हुआ है वो समझेंगे एक मिनट में. फर्स्टली लेट्स सी व्हाट आर T-bills. अब द गवर्नमेंट नीड्स फंडिंग, शॉर्ट टर्म फंडिंग्स. सो T-bills, ट्रेजरी बिल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI ट्रेजरी बिल्स इशू करती है. The public, these can be subscribed by banks, insurance companies, primary dealers, जो कि आगे जाके, you know, they are known as market makers, ठीक है, जो buying and selling करते हैं of these T-bills. So these are subscribed by banks, insurance companies, other companies which are eligible to buy these, and also primary dealers, ठीक है. तो अब government की short term borrowings के लिए ये T-bills issue होते हैं. Currently तीन तरीके के T-bills issue होते हैं, that are 91 day का, then 182 days का, and then 364 days का, one day less than a year. तो इससे हमें समझ आता है that is 3 months, 6 months and almost 1 year का T-bill issue होता है. That is the short term borrowing of the government. ठीक है, so these are issued by RBI. And another important piece of information, कि these
आर इशूड एट डिस्काउंट. सो दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज. ये कूपन क्या होता है? दिस कूपन इज इंटरेस्ट. तो जनरली कंपनीज और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज इशूइंग अ बॉन्ड, एक बॉन्ड क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है. इफ यू वॉन्ट टू टेक अ लोन फ्रॉम द मार्केट, आप बॉन्ड इशू करते हो, एक सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी है. सिमिलरली टी बिल्स इज ऑल्सो अ डेट सिक्योरिटी. बट बॉन्ड्स के केस में क्या होता है? देर इज अ कूपन रेट. देर इज अ कूपन रेट, दैट इज द इंटरेस्ट रेट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अ बॉन्ड इज एट इशू टूडे एट द प्राइस ऑफ 1000, विच मीन्स द इन्वेस्टर विल पे 1000 rupees टू द कंपनी. अब कंपनी को 1000 rupees आ गए एंड द कंपनी मेक्स अ प्रोमिस कि आफ्टर अ ईयर और आफ्टर टू ईयर्स द कंपनी विल पे सर्टन इंटरेस्ट पेमेंट. और लेट्स सपोज ये 5 year का बॉन्ड है, द कंपनी विल पे इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एनुअली फॉर द नेक्स्ट 5 years. लेट्स से दिस इंटरेस्ट पेमेंट इज 7%. ठीक है, सो ये बॉन्ड की बात है. एक कूपन रेट इज एन इंटरेस्ट रेट विच इज पेड ऑन द अमाउंट जो कंपनी ने बोरो करा है, राइट. बट अब ये टीबल्स पे देर इज नो कूपन. तो ये टीबल्स पे इशूअर जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो होल्डर्स ऑफ दीज टीबल्स, इनको क्या बेनिफिट होगा? दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज. व्हाट इट मीन्स जीरो कूपन सिक्योरिटीज? मीन्स दे आर इशूड एट डिस्काउंट. इनको डिस्काउंट पे इशू गया है. फॉर एग्जाम्पल इट इज 100 rupees का टीबल. द गवर्नमेंट विल बोरो 98 rupees from the holder of T-bill or anyone who wants to subscribe to this T-bill. So 98 rupees aap abhi pay karenge and in 3 months, in 91 days, the government will pay you 100 rupees. Theek hai? That is the whole concept of zero coupon securities. Isme koi coupon nahi hota, but these are issued at discount. So ye iski face value thi 100, but it is issued at discount, which means you only have to pay 98. But after 3 months, you will be paid back 100. Ab inko kehte hain zero coupon securities and T-bills are zero coupon securities. Ab the point is, why do banks or any other institution subscribe to these T-bills? Ye T-bills kyun leti hai? Government will issue these T-bills for short-term borrowings of government. But why do banks subscribe to these T-bills? One of the reasons for this is SLR. These T-bills are eligible for SLR, statutory liquidity ratio. Banks have to maintain certain, certain cash, certain cash and bills ki form mein apne paas maintain karke rakhna padta hai. That is statutory liquidity ratio. So banks have to maintain certain amount with themselves under this ratio and T-bills are eligible for SLR. So T-bill is an SLR instrument. That is why banks subscribe to these. Ab further in T-bills ko use karke banks can also borrow. So in T-bills ko as a collateral deke, banks can borrow from the RBI at repo rate. So repo rate pe banks can borrow from the RBI using these T-bills as collateral. So do use humne samajh liye ki SLR ke liye and collateral ke liye. And third is these are very secure. क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट यू नो विल पे यू बैक एंड द गवर्नमेंट इज द बोरोअर हियर, दैट इज व्हाई दे आर वेरी सिक्योर एंड नॉट अ रिस्की बॉन्ड और अ रिस्की सिक्योरिटी. दैट इज वन ऑफ द थर्ड रीजन, दैट इज द थर्ड रीजन कि ये क्यों सब्सक्राइब करे जाते हैं बाय बैंक्स. अब क्योंकि ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं तो इन पे यील्ड क्या होगी? व्हाट इज द यील्ड ऑन दिस? द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड, जनरली यील्ड कैसे निकलती है एनी सिक्योरिटी की? दैट इज इंटरेस्ट, that is the coupon rate upon the price of the security. Okay, so for example the price of any security, the face value is 100, but in market it is currently 120. So the current yield will be, let's say this it is 7%, the coupon rate, so the yield will be 7 upon 120. ओके, सो एक सिक्योरिटी पे 7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, द यील्ड विल बी 7 upon 120. सो दिस इज द यील्ड कैलकुलेशन ऑफ यील्ड. अब कूपन रेट और यील्ड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, विच मीन्स इफ द कूपन रेट इंक्रीजेस द यील्ड इंक्रीजेस. व्हाट इज दिस यील्ड? दिस यील्ड इज अ रिटर्न, इट इज अ रिटर्न ऑन एनी सिक्योरिटी, रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर इज गेटिंग. ठीक है, तो कूपन रेट और यील्ड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस में और यील्ड में इनवर्स रिलेशनशिप है, बिकॉज दिस प्राइस वॉज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फॉर्मूला ऑफ यील्ड. तो प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो यील्ड डिक्रीज करेगी. ओके, राइट. सो यस, अब ये हमने पूरा पढ़ लिया यील्ड कैसे निकलती है, बट हाउ इज द यील्ड ऑफ टी बिल कैलकुलेटेड? क्योंकि ये तो जीरो कूपन बॉन्ड है एंड इनमें कोई कूपन नहीं होता.
So the yield is calculated in this way. The discount upon the price into 365, because annually hota hai ye, upon the number of days for which the government has issued. So let's suppose the number of days is 91. And let's suppose it is a 100 rupee ka T-bill, which the government wants you to subscribe at 98. So iska discount kitna de rahi hai? 2 rupees. So 2 upon 98 into 365 upon 91 days. Why? Because the government is holding the security for only 91 days. 91 days ke baad the government is paying you back. So equate kara jata hai, that is equated. Theek hai, for 91 days. Okay, so this is the formula for calculating yield of securities. So, ab is yield mein kya change aaya hai? The yield on T-bills have skyrocketed in the past couple of weeks. Iska kya reason hai? Let's understand that. First reason here is the tightening of banking system liquidity. So, abhi humne pichli video mein hi discuss kara tha ki banks ki liquidity slowly and slowly is reducing. So, after COVID-19, the COVID pandemic, the government injected liquidity in the economy and liquidity surplus ho gaya tha. There was liquidity surplus in the economy of more than 8 trillion rupees se bhi zyada ka liquidity surplus ho gaya tha. I'm not sure of the amount, but yeah, there was a liquidity surplus in the economy. But slowly, slowly that liquidity is decreasing. Why? Because of hawkish stance of monetary policy. RBI is now sucking the liquidity from the economy and jo LTRO transactions thi, ye bhi humne last video mein samjha tha, they are redeeming. So now payments will be made back to the RBI, jinhone bhi aise long-term instruments ke liye subscribe kar tha RBI ke. So because of redemption, because of accommodative stance, the RBI is sucking out liquidity, which was earlier injected. Jiski wajah se liquidity in the banking system has reduced. Ab liquidity agar kam hogi, they will subscribe to T-bills lesser. Second reason for this is domestic inflation. In the month of January, we looked that inflation was more than 2 to 6% ka jo band hota hai, inflation was more than 6% in the month of January. Ab high inflation hogi, that is the demand for interest rate on these T-bills will be high. The government, the subscribers will want ki zyada yield mile unko, zyada interest mile on any security, not just this government security, but on any security. Why? Let's suppose agar market mein aapko kisi bond pe 8% interest mil raha hai, kisi instrument mein 8% interest mil raha hai, but the inflation in that economy is 6%. So, agar aapka effective interest rate, agar hum dekhe, effective aapko kitna return mil raha hai, it is only 2%. Yahi agar inflation 4% hoti, to effective interest rate aapko 4% milta. So, inflation agar bad rahi hai, the expectation of the subscriber, of the investor will rise. Ki coupon rate zyada mile, yield zyada mile. For that reasons, ye yield bahut zyada bad rahi hai. Okay, so there is expectation of market interest rate, which is caused by very high inflation. Ab ye kyunki these instruments are short term, agar liquidity mein koi bhi fluctuation hogi, yield will be affected. Agar liquidity mein koi bhi liquidity mein koi bhi changes honge, because these are short term instruments, they are affected by the liquidity conditions. These are sensitive to the liquidity conditions and also their interest rate, which means the yield is also affected. अब ये yield के क्या implications होंगे, high yield के क्या implications होंगे? सबसे पहला, government की cost ज़्यादा बढ़ जाएगी. When the investor is expecting a high yield, तो borrowing cost of the government will increase. So the sovereign borrowing cost increases. The government securities are the benchmark. अब ये government securities जो हैं, वो benchmark बन जाती हैं. इन पे जो yield मिल रही है या interest मिल रही है, they become a benchmark for pricing debt issued by private players. Why? Why are they in competition always? Why do they become a benchmark? Because if a private player kam interest rate pe, you know, paisa uthana chahta hai, or they want to issue securities at a lower interest rate, and the government is giving at a higher interest rate, why would the issuer not subscribe to this instead of this? So ye jo government ka instrument hai, it becomes a benchmark for the private players as well. So, if government is ज़्यादा yield दे रही है, ज़्यादा interest rate पे borrow कर रही है, the private players will also have to give more interest rate. Otherwise, it will be crowding out situation हो जाएगी ये. The third implication of this is T-bill yields are also one of the external benchmarks used by bank for pricing loans. अब जो loans देती है, the banks जो loans देते हैं, that is external benchmarking में होते हैं ये loans, which means कुछ external benchmarks बनाए गए हैं. And
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टी बिल्स, दो तरीके के टी बिल्स जो है करंटली दे फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क. तो एक्सटर्नल बेंचमार्क और भी कुछ रेट एक्सटर्नल रेट्स है, दैट इज फिबिल. फिबिल का जो रेट आता है, यस आई थिंक दैट इज वन ऑफ द एक्सटर्नल बेंचमार्क. तो ऐसे कुछ एक्सटर्नल बेंचमार्क बने हुए हैं जिनके बेसिस पे लोन्स मिलते हैं. ओके, एंड सो द क्विकर राइज इन शॉर्ट टर्म डेट यील्ड्स रिफ्लेक्ट्स कंसर्न ओवर रेट हाइक्स. अगर शॉर्ट टर्म यील्ड्स बढ़ेंगी विच मीन्स रेट भी हाइक होंगे, सारे रेट्स मार्केट में हाई होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर लॉन्ग टर्म लोन्स जो है उनका यील्ड ज्यादा हाई हो जाता है, इट रिफ्लेक्ट्स कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही. द एंकरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स रिफ्लेक्ट्स दैट द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज वीकर. बट अगर शॉर्ट टर्म में हो, इट विल ओनली मीन कि फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट मोर हाइक ऑन रेट्स. ओके, यस, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. वॉट आर टी बिल्स, वाई आर दे इशूड, वॉट इज द पर्पज ऑफ टी बिल्स, हाउ आर दे इशूड. दे आर इशूड थ्रू ऑक्शन एट ऑन ई कुबेर. तो ई कुबेर पे गवर्नमेंट ऑक्शन, आरबीआई ऑक्शन करती है इनको. हु आर द सब्सक्राइबर्स, ये सब हमने समझ लिया है. अब इनकी यील्ड कैसे निकलती है वो भी हमने समझ ली है. एंड हाउ विल द यील्ड इंपैक्ट द इकोनॉमी, दैट ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दिस इज आर ऐप. इफ यू हैवंट ऑलरेडी डाउनलोडेड, यू कैन, सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एग्जाम्स यू कैन गेट हियर. लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जीसेक. हियर वी आर टॕकिंग अबाउट जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉट जस्ट टी बिल्स, issued by RBI on behalf of the government. So G-Secs are issued through auctions conducted by RBI. This is correct. G-Secs offer maximum safety. They offer maximum safety as they carry the sovereign's commitment for payment of interest and repayment. Sovereign's commitment, the government is committing that it will repay. So iska matlab ye risky nahi hai. The risk is very less. That is why they are the safest. So, इसीलिए ही बहुत सारे investors, they get attracted to government securities than private securities or corporate securities. तो अगर government ही percentage of rate of interest बहुत ज़्यादा देगी, ठीक है, अगर in return जो है in government securities में ही बहुत ज़्यादा मिलेगा, everybody will be attracted towards these and it will create a crowding out situation for private players. Okay, so G-Secs are available in a wide range of maturities from 91 days to as long as 40 years. This statement is correct. Why? Because here we are not just talking about T-bills, we are talking about G-Secs. So government do tarike ke bills issue karti hai, securities issue karti hai, short term and long term. Short term ko kehte hain treasury bills, long term ko kehte hain SDLs, jo ki state development loans hai, and dated securities. तो ये डेटेड सिक्योरिटीज होती है मैच्योरिटी फॉर मोर देन अ ईयर. लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द गवर्नमेंट आर डेटेड सिक्योरिटीज या फिर SDL, दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जो स्टेट इशू करती है फॉर इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट टी बिल्स इशू बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. टी बिल्स आर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. आप बताएंगे ये सही है या नहीं. लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, they are instruments issued at discount to the face value and form an integral part of the money market. Yes, these are money market instruments and issued at a discount. In India, the central government issues both T-bills and bonds or dated securities. T-bills and bonds or dated security. Do tarike ke issue hote hain, T-bills and bonds ya fir dated securities, which are long-term instruments. But the state government only issues bonds or dated securities. They cannot issue T-bills, which are called SDL, State Development Loans. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका कि स्टेट्स आर एलिजिबल टू इशू T-bills और नॉट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि स्टेट्स सिर्फ डेटेड सिक्योरिटीज ही इशू कर सकती हैं. रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड लो कॉस्ट रिटेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंक थ्रू UPI विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. आप इसका आंसर बताएंगे, बहुत ईजी है. Which of the following banks have been given approval by RBI that can issue UPI-linked wallets to foreign nationals traveling from G20 nations? So, kaun se do banks ko approval mila hai? This also you will answer, comment down below. Okay. Yes, so this was the last question for today. I hope you like the session. Please padhte rahiye. RBI ka exam kabhi bhi aa sakta hai. All the best. Thank you.